करिए मत जाओ, हमारे साथ हस्तना पर चलो, तुम्हारे साथ शादी करेंगे। पुनः निवेदन करती है नवल देव महाराज परीक्षक, ऐसा है हाँ तुम्हें विश्वास न आए हैं तो और मैं जी भरे के देख के नवल देव हाँ तुम्हें नहीं पता, जब से तुम्हें देखा है ना तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है नवल देव। जब से परीक्षक कहने लगे कोई बात नहीं जाओ लेकिन आना। नवल देव कहने लगे महाराज जा तो रहे लेकिन अभी देख लीजिए, फिर मत कहना कि हमने देख नहीं पाया था। Oh,
चली गई, जा करके महाराज वासुकी को अमृत देकर के उनका क्रोध दूर किया। उसकी बात कबर पे बोली, पिता श्री अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने पति परीक्षित के करीब जा रहे हैं, उनके साथ शादी करें। ठीक है, फौर में ही नरोत्ते ने देर नहीं की, परीक्षित के करीब आई। परीक्षित नवरते को लेकर के हस्तिनापुर गए। पांडवों ने बड़े धूमधाम के साथ परीक्षित नवरते की शादी की, और शादी करने के बाद सोचने लगे कि ना परीक्षित को राजा बना दिया जाए और हम यहां से जाएं। सभी पांडव बड़े मगन हैं। उधर भगवान श्याम के कहने के अनुसार धर्मराज कहने लगे, पांडव कलयुग आने वाला है और हम कलयुग में रह नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा करो जैसा भगवान श्याम ने कहा है उसी प्रकार से हम हिमालय में गलने के लिए चलते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय में चले गए। धीरे धीरे हिमालय में जाकर के पहुंचे, रास्ता खोजने लगे, रास्ता नहीं मिला। भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान शंकर की आसीन अनुकंपा से स्वर्ग लोक का दरवाजा मिला। वहां के लिए जब आगे बढ़े, पर्वतों से होके निकले, तो सबसे पहले द्रौपदी पहाड़ से नीचे गिरी, बर्फ के पहाड़ से फिसल के जब द्रौपदी गिरी, सभी पांडव चिल्लाने चीखने लगे। देखते ही देखते द्रौपदी का अंत हो गया। भगवान की अब चारों पांडव फिर आगे बढ़े। एकदम से नकुल का पैर फिसला, नकुल भी मर जाता है। सहदेव उसके पीछे भागा, वो भी बर्फ के पहाड़ से गिर के मर गया। नकुल सहदेव के मर जाने के बाद भीम ने देखा मेरे दो भाई मर गए। भीम कहने लगे, भैया धर्मराज ऐसे कब तक चलेंगे, अब हम दरवाजा खोजेंगे। भीम ने अपनी गदा उठाई और जैसे ही पर्वत में धर के मारी, पर्वत चटका, एकदम से भीम उसी पहाड़ के निकट भागे। लेकिन भीम के भागने से पहले अर्जुन कहने लगे, रुक जाओ भैया, तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया, भीम के पड़ने से पहले अर्जुन उसी खाई में गिर के उनका अंत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब धर्मराज और भीम आगे बढ़े, देखा रास्ते में एक कुत्ता लग जाता है। धर्मराज के साथ एक कुत्ता लग जाता है जो युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाता है। भीम ने मना किया, लेकिन फिर भी धर्मराज कहने लगे, इसे आने दीजिए, जब ये आता है। और धीरे धीरे और आगे बढ़े, स्वर्ग के दरवाजे की ओर बढ़ते चले गए। देखा एक विकराल दलदल है, दलदल है, उस दलदल में भीम एकदम फिसल के गिर गए और भीम के साथ ही साथ वो कुत्ता गिर गया। धर्मराज पारी पर खड़े हुए, भीम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भैया धर्म मुझे बचा लो, मेरा हाथ पकड़ लो, भैया मुझे इस दलदल से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आवाज लगाते हैं भीम। Hey!
धर्मराज ने भीम को नहीं बचाया, फौरन कुत्ता को निकाल लिया और 20 मुद्रिकाएं भिजवा रहे हैं भ्राता श्री मुकेश। भगवान से कामना करते हैं, प्रभु इनकी मनोकामना सदा सदा पूर्ण करते रहे, धन भंडार से इनकी झोलियां भरते रहे, धर्म क्षेत्र में इनके हाथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। मेरे भैया भीम रोके कहने लगे, भैया दुष्ट तुम कैसे भैया हो, कौन से पाप का बदला लिया तुमने हमसे, आज मेरी जान जा रही है, तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो, एक कुत्ता को तुमने बचा लिया, मुझे नहीं बचाया, मेरी जान जा रही है भैया। ये दुष्ट कहने लगे, देखिए भैया भीम तुम तो बलशाली भीम हो, जो अपनी मुष्टिका के प्रहार से बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देते हो, लेकिन ये कुत्ता बेजुबान जानवर असहनीय था, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म था, तुम तो बलशाली थे, अपनी रक्षा खुद कर सकती थी, इसलिए मैंने इस कुत्ता को बचा लिया। भीम देखते ही देखते उस दलदल में बहता हुआ मुल्की धसता हुआ चला गया। बोलिए भगवान की जय। इधर धर्मराज सशरीर इस स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गए, वही स्वर्ग के दरबार पे जाकर के कुत्ता कुत्ता नहीं रहा। राज का भेष धारण कर लेता है, कहने लगा धर्मराज तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण आए, तुम हमारी परीक्षा में सक्षम हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं यमराज हूं, तुमने मेरी मदद की, तुमने अपने भाई को न बचा करके एक बेजुबान जानवर की मदद की, जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा तुम्हें। धर्मराज स्वर्ग में चले गए। बोले धर्मराज निश्चर की, बोलिए गोविंद भगवान की।